हे परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। आज इस डिलीवरेंस वीक्स में जितने भी जन बीमार, रोगी, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए, जितने बंधनों में कर्ज के नीचे, परमेश्वर तेरा आत्मा छुए। आज की इस मास प्रेयर में परमेश्वर तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, डिलीवर करे और आजाद करे। परमेश्वर तेरा आत्मा आज हर एक बंधन से इन लोगों को आजाद करते परमेश्वर। जितने भी रोगी हैं ब्रांचेस में, सभी जन अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। हे परमेश्वर, एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, तेरी पावर छुए परमेश्वर, तेरी चीटने की सामर्थ छुए, तेरी फायर से भर दे एक एक जन को। होली गॉस्ट फायर, फायर, फायर से परमेश्वर, फायर से इन लोगों के बंधनों को तोड़ दे। फायर से हर एक बंधन टूट जाए, सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाए परमेश्वर। सर्वाइकल से जाग कर सर्वाइकल के रोगी चंगे हो, कानों के रोगी चंगे हो जाए, दुष्ट आत्माओं के जकड़ा एक एक जन चंगा हो जाए परमेश्वर। होली गॉस्ट फायर से, फायर से, फायर से, फायर से हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा के सताए हुए जकड़े चंगे हो जाए, हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए परमेश्वर। तेरी आग उतरे, आग, 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 तेरी आग उतरे, आग, तेरी आग उतरे एक एक जन पे। होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर, ब्रांचेस में तेरी आग उतरे, एमरजेंसी सेक्शन में तेरी आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, तेरी आग उतरे परमेश्वर। एक एक जन को चंगा करते खुदावन, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दे परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दे, हर एक दुष्ट आत्मा का चकड़ा आजाद हो, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, be free, 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 आजाद हो जाए हर एक चकड़ा, हर एक बंधनों में चकड़ा आजाद हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। फायर उतरे, फायर, फायर, तेरी फायर उतरे, फायर, 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 तेरी फायर उतरे, फायर, 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 तेरी फायर उतरे, फायर, 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 आजाद कर दे खुदावंद, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, दुष्ट आत्माओं के जकड़ों को आजाद कर, डिलीवर कर परमेश्वर। इनके बॉडीज पे तेरा आत्मा उतरे परमेश्वर, तेरी आग उतरे खुदावंद, अपनी फायर से भर दे एक जन को, अपनी फायर दे दे खुदावंद, अपनी फायर से भर दे। होली गॉस्ट फायर, फायर, होली गॉस्ट फायर, मेरे पीछे बोले होली गॉस्ट फायर, 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 हर एक शैतानी मेज से खाया बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, उल्टियों के द्वारा बाहर आ जाए, हर बीमारी बाहर आ जाए, इस डिलीवरेंस वीक में हर एक दुष्ट आत्मा बाहर आ जाए। होली गॉस्ट फायर, फायर, होली गॉस्ट फायर, बोले सभी जन फायर। कानों के रोगी चंगे हो जाए परमेश्वर, कानों को तेरा आत्मा छुए, कानों के रोगी चंगे हो परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए, कानों को खोले, कानों का हर रोग जाता रहे, सर्वाइकल के रोगी छुए परमेश्वर, तेरा आत्मा आज सर्वाइकल के रोगी, हड्डियों के रोगियों को तेरा आत्मा छुए, हड्डियों के रोगियों को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, जितने रीढ़ के हड्डी, सर्वाइकल के रोगी, शोल्डर्स की हड्डियों को, जॉइंट्स को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, छू, तेरा आत्मा छुए, हील कर, हील करते परमेश्वर। होली गॉस्ट फायर से, फायर से, फायर, 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 होली गॉस्ट फायर से हील करते, एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, आग उतरे परमेश्वर, आग उतार, आज अपने आग उतार, आग उतार, आग उतार, आग उतार, एक एक जन पे, ब्रांचेस पे अपनी आग उतार परमेश्वर, अपनी आग उतार, फायर से भर दे। होली गॉस्ट फायर, 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 बीमारियों पे फायर, 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 बांझपन पे फायर, 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 बीमारियों पे फायर, हड्डियों के रोगियों पे फायर, फायर, सर्वाइकल के रोगियों पे फायर, फायर, दुष्ट आत्माओं के सताए पे फायर, 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 होली गॉस्ट फायर, 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 हर बीमारी जाती रहे,
हर बीमारी जाती रहे जाती रहे, हर रोग जाता रहे, हर बीमारी जाती रहे, हर बीमारी छोड़ के जाए लोगों को, हर बीमारी जाए, आंखों के रोगी चंगे हो। मम्मा जी, इस बहन के जीवन में भी बहुत बड़ा काम हुआ। एक साल से इस बहन के ब्रेस्ट की राइट साइड के ऊपर बहुत बड़ी रसौली थी जो ब्लड से और गंदगी से भरी हुई थी। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी जैसे ही आपने मास्टर स्टार्ट की, ये बहन क्लिसिया में खड़े थे और एकदम से वो रसौली फट गई और पूरी तरह से बह गई। इनके कपड़ों के ऊपर ब्लड के निशान है और ये बहन और आपकी ब्रेस्ट में रसौली थी, अभी मास्टर में वो बह गई। ये छाती मेरे सॉली थी। हाँ जी। और क्या हुआ, अभी कैसे हील हुए आप? जदों मैं आई सी प्रे दे विच उदों ही जदों आंदी दे फस गया, जदों खून नहीं सी बनया और ये रसौली सारी बह रही। हालेलुया जीसस, सारे रोगों से शिफा आ गया अपने लोगों में खुद। पिछले एक साल से मम्मा जी इसकी जो दिमाग की नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। अगर ये थोड़ा सा भी खड़ा हो जाते थे उसी टाइम ये गिर जाते थे। और आज मास प्रेयर के दौरान जब आपने हीलिंग के लिए प्रार्थना की, उसी टाइम परमेश्वर की हीलिंग इस बहन की बॉडी के अंदर एंटर की और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। दीदी सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। दीदी सारे रोगों से बहुत बड़ी टेस्टमनी है मम्मी इस बहन के। ये बहन इंग्लैंड से, यूके से आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आई है और 3 साल पहले दोनों टांगों ने इनके काम करना बंद कर दिया था और ये बहन टोटली बेड के ऊपर चले गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ था और आज इनको पहली बार उठा के जब चर्च में लाया गया तो जैसे ही आपने मास प्रेयर की एकदम से पवित्र आत्मा ने इनको छुआ और 3 साल के बाद आज ये बहन पहली बार अपने पैरों के बल खड़े हुए और चल पा रहे बिना किसी चीज का सहारा लिए। आप कहां से, यूके से आए आप? यूके से। यूके से आए और आप अपने आप चल नहीं पा रहे थे? No. और आपको फेथ था कि मैं चर्च में जाऊंगी प्रार्थना? Yes. को yes. और अभी आप खड़े, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत मुश्किल में मैं आई, बस मैं यही विश्वास करके आई परमेश्वर, मैं जनों तुम्हारे घर में आना तो मैं तुर के जाना है। चलिए अब चलिए। पूर्थला ब्रास से सिस्टर सुमना कुमारी की गवाही है कि कई दिनों से इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा भारीपन रहता था और आज जैसे ही आपने रसौली वालों के लिए प्रार्थना की उसी टाइम इन्हें वॉशरूम का प्रेशर हुआ। उसी टाइम जब ये गए इनके गुप्त अंग के द्वारा एक रसौली बाहर आई है। इस बहन को पिछले 15 साल से अस्थमा का रोग था और जो पंप इनके हाथ में है ये दिन में 10 से 12 बार इसको हर टाइम इस्तेमाल करते, हर समय अपनी पॉकेट में रखते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की मम्मा, ये पूरे चर्च में पीछे से लेकर आगे तक भाग के उन्होंने चेक किया। जो 15 साल से अस्थमा का रोग था वो अभी प्रेयर के बाद पूरी रीति से गायब हो चुका है। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी अच्छा। अभी आपको कोई सांस नहीं चढ़ रही? नहीं। कोई सांस फूल नहीं रही? नहीं। आसानी से सांस आ रही है? हाँ जी। पहले आप दिन में कितनी बार ये यूज? 10-15 बार ले लेती। और आज सुबह से आपने कितनी बार यूज किया? एक बार भी नहीं लिया। हालेलुया, तारीफ करें। हालेलुया। करने जुदा गया अपने लोगों में खुदा। कोलकाता ब्रांच से सिस्टर काजल की गवाही आई है कि पिछले एक साल से इन्हें पेट का रोग हो गया था। उस पेट के रोग के कारण इनका पेट जो था हमेशा फूला रहता था और ये एक कदम भी तक नहीं चल पाते थे और आज मास प्रेयर के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और आप देख सकते हैं वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं। 3 साल से इस बहन के रीढ़ की हड्डी के जो मनके थे वो पूरी तरह से दब चुके थे। 3 साल हो चुके थे और इनको बिल्कुल भी उठा बैठा नहीं जाता, गर्दन पूरी तरह से जकड़ी हुई थी और बेल्ट को डॉक्टर ने बोला कि आपको सारी उम्र लगा के रखनी पड़ेगी। और आज जैसे अभी अभी आपने प्रार्थना की ये बहन ने अपने को चेक करके देखा उठ बैठ के, तो ये आज बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। 3 साल के बाद ये बहन ने चेक करके देखा, आज बेल्ट उतर चुकी और पूरी रीति से ये मम्मा हील हो चुके हैं। हर रोग जाता रहे, पील 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 पील, हर रोग जाता रहे, हर बीमारी इनके शरीरों को छोड़ के जाती रहे। पील पील, चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। पील 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 पील, हालेलुया।